हेलो गाइस, मैं प्रशांत बगड़िया। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ में कुछ ऐसे क्रोम एक्सटेंशन जिसको आप यूज कर सकते हो। आप एक एफिलिएट मार्केटर हो, आप एक डिजिटल मार्केटर हो, आप अपना ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर रहे हो या अपना यूट्यूब चैनल रन कर रहे हो, किसी भी तरह का आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, तो ये एक्सटेंशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। मैं हर तरीके के क्रोम एक्सटेंशन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ में वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरे को एडवाइस मिले आपके लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो कंटेंट क्रिएट करता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो या फेसबुक पे पोस्ट करते हो या यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन लिखते हो, यूट्यूब का टाइटल लिखते हो, तो उसके अंदर इमोजी जोड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितने अधिक अच्छे से इमोजी जोड़ते हो, जितना अधिक अट्रैक्टिव आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो इंस्टाग्राम पोस्ट का, फेसबुक पोस्ट का, या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर रहे हो, उस प्लेटफॉर्म पे जो भी हेडलाइन है उसका कुछ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो इसके लिए एक टूल है जिसका यूज कर सकते हो आप, जॉयपिक्सल्स। ये ऐसा टूल है जिसके माध्यम से आप इसको फ्री के अंदर कुछ इमोजी आपको ये प्रोवाइड करा था, उन इमोजीज को आप कॉपी करके अपनी डिस्क्रिप्शन में जोड़ सकते हो और अपने डिस्क्रिप्शन को अट्रैक्टिव बना सकते हो। ये क्रोम एक्सटेंशन फ्री है, इसका आप यूज कर सकते हो और इसका प्रीमियम प्लान भी अवेलेबल है, उनको भी आप यूज कर सकते हो करना चाहते हो तो। सेकंड क्रोम एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस करूँ तो सेकंड क्रोम एक्सटेंशन है ऑसम स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डर। आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स की जरूरत होती है, बहुत सारी इमेजेस की जरूरत होती है, जिससे आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हाइड करनी होती है, जिसके लिए आपको अपना एक टूल ओपन करना होता है जो डिजाइनिंग टूल होता है, उसके अंदर आपको वर्क करना पड़ता है। बट आप इस क्रोम एक्सटेंशन का यूज करते हुए डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इमेज को एडिट कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करके आप उनको अब लैपटॉप में डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो, जिसके कारण आपका जो भी टाइम कंज्यूम होता है इन वर्क में बहुत अधिक टाइम बचेगा। साथ में आप अपने वर्क को बहुत ज़्यादा फास्ट भी कर पाओगे, क्योंकि हमको वर्क करता है बट स्मार्टली और इजी तरीके से हम करते हैं, तो हमारा टाइम भी कंज्यूम होने से बचता है और हम अपना वर्क है बहुत अच्छे से भी कर पाते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ इसके एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए सबसे पहले इस विंडो को ओपन किया और विंडो से यहाँ से शेयर विंडो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगी इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, जिससे आप इमेज को क्रॉप कर सकते हो, हाइलाइट कर सकते हो, रेक्टेंगल इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो, आप एरो का चिन्ह इसके अंदर ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, ब्लर इन्फॉर्मेशन आप ब्लर कर सकते हो, जो भी आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, ऐसी बहुत सारे आपको फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे आप आसानी से एडिट करिए इसको यूज कर सकते हो। थर्ड क्रोम एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस करूँ तो थर्ड क्रोम एक्सटेंशन है, जैसे कि आप अपना ब्लॉग लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, यूट्यूब की हेडलाइन क्रिएट कर रहे हो, इंस्टाग्राम या जो भी फेसबुक पे पोस्ट है उनकी हेडलाइन क्रिएट कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको अपनी हेडलाइन अट्रैक्टिव और क्लिकेबल हेडलाइन क्रिएट करनी होती है। तो क्लिकेबल हेडलाइन क्रिएट करने के लिए या उसकी हेडलाइन स्कोर चेक करने के लिए आप इस क्रोम एक्सटेंशन का यूज कर सकते हो, हेडलाइन चेकर, या इसको आप क्रोम एक्सटेंशन का हेडलाइन स्टूडियो, इसका आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, जैसे वर्ड काउंट मिल जाएगा, साथ में सेंटीमेंट्स कितने जुड़े हुए हैं इसके साथ वो मिल जाएगा आपको, साथ में क्लियरिटी मिल जाएगी, हेडलाइन टाइप्स मिल जाएगा, वर्ड काउंट मिल जाएगा, स्केलेबिलिटी मिल जाएगी, इसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड कराता है, जिन कारण से आप अपनी हेडलाइन को चेक कर सकते हो और चेक करके उस हेडलाइन को इंप्रूव कर सकते हो। बहुत अच्छा एक्सटेंशन है, आप इसका यूज कर सकते हो। ये कोर्स शेड्यूल द्वारा क्रिएट किया हुआ क्रोम एक्सटेंशन है। आगे की क्रोम एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस करूं तो आगे क्रोम एक्सटेंशन विडाइक्यू। अब ये एक YouTube का SEO ऑप्टिमाइज करने का टूल है। इस टूल का आप यूज़ करते हुए आसानी से अपने YouTube का डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज कर सकते हो, टैग्स जोड़ सकते हो, जो भी ट्रेंडिंग सेक्शन के जो भी कौन कौन से वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं आपके नीच के अंदर, कौन से वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं उनका आप एनालाइज कर सकते हो। साथ में इसके अंदर बहुत सारे आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, उन कीवर्ड्स का आप सर्च वॉल्यूम चेक कर सकते हो, और भी बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स अवेलेबल हैं, जिसके कारण आप आसानी से इसका यूज कर सकते हो। कुछ फीचर्स इसमें फ्री के अंदर अवेलेबल है, कुछ पेड फीचर्स अवेलेबल हैं, तो आप फ्री फीचर्स का यूज कर सकते हो स्टार्टिंग में, बाद में इसका पेड प्लान लेना चाहते हो पेड प्लान ले सकते हो, आपकी इसको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में इसके अंदर एक फीचर और अवेलेबल है, वो डेली आइडिया, आपको ये कुछ डेली आइडिया प्रोवाइड कराएगा आपके अपने नीस के इवेंट, आप उनके इवेंट भी वीडियो क्रिएट कर सकते हो। आगे क्रोम एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस करूं, उससे पहले आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूले, आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो कंटेंट चैनल पर मिलते रहेंगे। आगे क्रोम एक्सटेंशन उबेर सजेस्ट, ये एक ऐसा टूल है इसके अंदर बहुत सारी फीचर्स अवेलेबल हैं, आप बहुत सारी इसके फीचर्स का यूज कर सकते हो, बट इसके जो भी मेन फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करता हूँ। जैसे आप गूगल पे कोई भी हेडलाइन सर्च करते हो, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग,
जैसे मैंने एफिलिएट मार्केटिंग सर्च किया तो यहाँ पे आपको बहुत सारी रिजल्ट दिखाए हैं। उसके साथ में आपको यहाँ पे कुछ ये क्रोम एक्सटेंशन है, इसकी सर्च वॉल्यूम किस तरह की चल रही है, साथ में इसके लिवेंट और कौन से कीवर्ड्स चल रहे हैं, साथ में इसके जो भी लिवेंट सर्च कौन से किए जा रहे हैं और कौन से इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनके लिवेंट, इसकी वॉल्यूम कितनी चल रही है, CPC कितनी चल रही है, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये प्रोवाइड कराता है। इन इन्फॉर्मेशन से आप आइडिया ले सकते हो कि कौन से कीवर्ड सबसे अधिक सर्च किए जा रहे हैं, जिस तरह से गूगल ट्रेंड का आप यूज करते हो। इसका लिवेंट एक और क्रोम एक्सटेंशन हुआ है कीवर्ड एवरीवेयर, इस क्रोम एक्सटेंशन का भी आप यूज कर सकते हो। इसी तरह का क्रोम एक्सटेंशन है, आप इन क्रोम एक्सटेंशन के जरिए आसानी से कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम चेक कर सकते हो। आगे क्रोम एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस करूं तो आगे क्रोम एक्सटेंशन है ग्रामरली। अब आप एक अपना आर्टिकल लिख रहे हो, आप एक ब्लॉगर हो तो आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, तो आपकी ग्रामर के अंदर इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ग्रामर की जो भी मीनिंग मिस्टेक्स हो गई या उसकी क्लियरिटी हो गई या ग्रामर की जो भी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स हो गई, इनको आपको चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरत है, जिससे कि आपके जो भी व्यूवर है उसके साथ में वो अपना आर्टिकल है वो अच्छे से रीड कर पाए, आपका आर्टिकल अच्छे से उसकी जो भी आपने लिखा है वो समझ पाए। इसके लिए आप क्रोम एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हो ग्रामरली, बहुत अच्छा क्रोम एक्सटेंशन है। इसके मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, साथ में इसका डेस्कटॉप ऐप भी अवेलेबल है। आगे क्रोम एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस करूं तो आगे क्रोम एक्सटेंशन है ब्रेक टाइम। इस क्रोम एक्सटेंशन का मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूं उसके बारे में बताता हूं, क्योंकि यह क्रोम एक्सटेंशन आप जिसे हम लगातार लैपटॉप पे वर्क करते हैं तो हमारी आइस को भी रिलैक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हमारी आइस को रिलैक्स करने के लिए आप इस क्रोम एक्सटेंशन का यूज कर सकते हो। साथ में इस क्रोम एक्सटेंशन के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि आप इसके अंदर टाइम ब्रेक सेट कर सकते हो या अपना जो भी ब्रेक किसके लिए ले रहे हो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। साथ में इसके अंदर आइडल रीसेट, कितनी बार भी रीसेट होना चाहिए आपका वर्किंग टाइम से सेट कर सकते हो, जैसे कि आप जितने वक्त जिस तरह का आपको ब्रेक चाहिए उस तरह का आप ब्रेक ले सकते हो, या आप नोटिफिकेशन के जरिए बता देगा, जिसे क्रोम एक्सटेंशन का यूज करके आप अपनी जो भी आईज है उनको भी रिलैक्स कर सकते हो, आप भी रिलैक्स कर सकते हो बीच में ब्रेक लेके। आगे क्रोम एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस करूं तो आगे क्रोम एक्सटेंशन है कलर जिला। जैसे कि आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे विजिट करते हो, उनका कलर जो भी कोड है उसको रीड करना चाहते हो कि इनका इसका किस तरह का कलर कोड है, तो आप इस क्रोम एक्सटेंशन का यूज करते हुए कलर कोड चेक कर सकते हो, और कलर कोड चेक करके आप अपनी वेबसाइट्स के अंदर या अपने जो भी ब्लॉक है उसके अंदर आप उस कलर कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हो। आपके लिए जो भी कलर्स है फाइंड करने में बहुत अधिक मदद करेगा, आप किसी भी वेबसाइट का इसके क्रोम एक्सटेंशन का यूज करते हुए कलर फाइंड कर सकते हो। आगे क्रोम एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस करूं तो आगे क्रोम एक्सटेंशन है जो भी विडाक्यूमिनेट पहले टूल बताया उसी के रिलेवेंट एक टूल और है ट्यूबडी। विडाई का यूज़ करते हो उसी तरह से आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर भी बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आप अपनी टाइटल किस तरह का आपको रखना चाहिए, किस तरह का आपको कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, किस तरह का आपको अपनी जो भी कंटेंट है उसके अंदर जो भी आपके कीवर्ड्स हैं उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि कौन से कीवर्ड जोड़ने चाहिए, कौन से टैग जोड़ने चाहिए, किस तरह का आपको डिस्क्रिप्शन रखना चाहिए, जिससे कि आप अपना जो भी है SEO ऑप्टिमाइज कर सकते हो यूट्यूब वीडियो का। आगे क्रोम एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस करूं तो आगे क्रोम एक्सटेंशन कैलेंडरली, जो भी शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर है आप अपनी 1-to-1 कॉल कर रहे हो या अपनी जो भी शेड्यूल करना चाहते हो कि 1-to-1 को आप कोचिंग प्रोवाइड करा सकते हो लोगों को, तो उसी तरह से आप इस क्रोम एक्सटेंशन का यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे ये मेरा 1-to-1 कॉल शेड्यूल जो भी लिंक है, तो इसको मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी करके आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह का आप इसके अंदर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो, और ये बिल्कुल फ्री है। आप इसके अंदर ये फ्री के अंदर मीटिंग शेड्यूलिंग आप कर सकते हो 1-on-1 कॉल के लिए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये मेरा मीटिंग शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर मैं जिस तरह का टाइम सेट किया उसी तरह से मैं उसके अंदर अवेलेबल होगा, उसी तरह से ये टाइम शेड्यूल करेगा, साथ में कस्टमर को भी ईमेल कर देगा, और भी इसके अंदर और भी फीचर्स अवेलेबल है। आप अपने कस्टमर से किस तरह के क्वेश्चन पूछना चाहते हो उन क्वेश्चन को भी आप सबमिट करा सकते हो, साथ में किस वक्त आप अवेलेबल रहोगे साथ में वो ईमेल के जरिए नोटिफिकेशन करके भी बता देगा, और भी बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं जिनका आप यूज करते हुए 1-on-1 कॉल के लिए आप मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो, साथ में अपनी कोचिंग आप प्रोवाइड करा सकते हो इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए। आगे क्रोम एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस करूं तो आगे क्रोम एक्सटेंशन है इंस्टाग्राम के लिए। आप लैपटॉप से इंस्टाग्राम पोस्ट करते हो तो आपको एक ही ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी पोस्ट ऐड कीजिए, साथ में इस क्रोम एक्सटेंशन का आप यूज़ करते हो तो आपको इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे, साथ में आपको इसका जो भी इंटरफेस है वो मोबाइल की तरह इंटरफेस दिखाई देगा। टैग असिस्टेंट भी मिल जाएगा जिससे आप अपनी टैग्स भी कलेक्ट कर सकते हो, टैग्स जोड़ सकते हो, साथ में टैग्स सर्च कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, अपनी स्टोरी लगा सकते हो, जो भी अपना SEO है साथ में इंस्टाग्राम की जो भी पोस्ट है उनको आप अच्छे से ऑप्टिमाइज करके आप पब्लिक कर सकते हो। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएगा, साथ में तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब दे, और अलग से कोई डाउट है और किसी तरह का आपको क्रोम एक्सटेंशन की जरूरत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।